मार्केट की चने दाल की नमकीन तो आपने खाई ही होगी, तो आज घर पे चना दाल की नमकीन बनाने की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी मैं। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप सब। मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मी किचन खजाना में। तो आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे चना दाल की नमकीन बनाने की आसान विधि, जो कि बहुत आसानी से बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने एक कटोरी में चना दाल। तो इसी तरीके से आपको जितना बनाना है उतना आप चना दाल ले लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे चने दाल को धो लेंगे। तो दो से तीन पानी आपको धो लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने दाल को अच्छी तरीके से धो लिया है, यहाँ पे पानी डाल दिया है और इसे अब 7 से 8 घंटे के लिए हम भिगोने के लिए रख देंगे, भीगने के लिए। तो यहाँ पे अब हम रख देंगे इसे। यहाँ देखिए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, हमारी दाल पूरी तरीके से फूल चुकी है। तो देखिए फूल चुकी है दाल। अब इस दाल को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। आप इसी तरीके से पानी को वो निचड़ निचड़ के आपको सारी दाल को निकाल लेना है दूसरे बर्तन में। दस मिनट की बनानी ना, 10 मिनट की। तो देखिए यहाँ पे सारे दाल मैं निकाल लूँगी। पुराने से तो लग रहे थे, कोई ना हो तुम्हारा हाथ दिखेंगे। तो फाइनली सारे दाल को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब यहाँ रखूँगी मैं चूल्हे पे एक पतीला। पतीले में डाल दूँगी मैं पानी और थोड़ा सा डाल दूँगी नमक। इसको कर दूँगी मिक्स। तो पानी आपको थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। और यहाँ देखिए जब पानी में उबाल आने लगे तो इसमें हम दाल डाल देंगे। सारी दाल इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद आपको दाल को सिर्फ 1 या 2 मिनट इसमें रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, नहीं तो दाल जो है हमारी ज़्यादा पक जाएगी तो जो नमकीन है वो ज़्यादा कुरकुरी नहीं बन पाएगी। तो इसी वजह से आपको दाल को बिल्कुल भी पकाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट इस गर्म पानी में रखना है। एक बार जब खौलने लगे ये, फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे पानी से। तो यहाँ देख सकते हैं पानी में धीरे धीरे उबाल आने लगा है। तो देखिए यहाँ पे सारी दाल को मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे लिया है मैंने बिल्कुल ही ठंडा पानी। दाल जो है इसमें से निकाल, गर्म पानी से निकाल के हमें ठंडे पानी में डाल देना है। इससे क्या होगा ना, जो हमारी दाल है वो बिल्कुल कड़क रहेगी। यहाँ देखिए यहाँ पे लेना है आपको एक कपड़ा और इस पे हम सारी दाल को फैला देंगे पूरी तरीके से, जो कि कपड़ा जो है पानी को सोख ले अच्छे तरीके से। तो सोख लिया है। यहाँ देखिए मैंने रख दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में बिल्कुल ही ज़रा सा तेल डालना है आपको। और इसमें तेल डालने की वजह यह है कि जैसे जो हमारी दाल है वो चिपके ना, इस वजह से। नहीं तो अगर आपके पास दूसरी कढ़ाई है तो आप उसमें तेल ना डालिए। अब दाल को हम भून लेंगे 15 से 20 मिनट तक के भूनते रहेंगे इसे। कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। दस मिनट हो चुके हैं दाल को भूनते हुए। अब हम इसे और 5 से 7 मिनट और भून लेंगे।
आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसे एकदम कुरकुरा बनाना है आपको। यहाँ पे दाल को एक से दो मिनट और हम भून लेंगे। देख सकते हैं आप हमारी दाल लमसम भून चुकी है और फिर अब इसे हम यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए आपको आवाज़ भी सुनाई देगी जो कि एकदम दाल हमारी अच्छे तरीके से भून चुकी है। इसी तरीके से आपको भून लेना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छी तरीके से हम यहाँ भून लेंगे। इसे आप एक महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने होगी। जब भी आपको खाना हो इसमें अपना जो भी आपको मिलाना है, प्याज मिर्च जो भी कुछ मिलाना है। देखिए यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ी सी मिर्च और यहाँ चाट मसाला। यहाँ पे थोड़ा सा लूँगी मैं काला नमक। सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करके आप इस तरीके से भी खा सकते हैं। आपको स्टोर करके रखना हो तो आप ये मसाला नमक नहीं मिलाएंगे, इसी तरीके से आप डब्बे में बंद करके रख देंगे तो जब भी आपको खाना हो तभी आप मिलाएं। और देखिए इसमें मैं मिला दूंगी प्याज। आपको अगर टमाटर पसंद है तो आप टमाटर मिला सकते हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और देखिए बन के तैयार हो गया है हमारा बेहतरीन सा नमकीन घर पे ही। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि चने दाल की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू।